नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, RRB जो MI है यानी कि CEN03 जो है, उसका रिजल्ट आने के बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा, तो बहुत सारे कौतूहल आपके मन में बना हुआ है, कमेंट आ रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें आपके NTPC के भी रिजल्ट आने हैं, अब आपके स्किल टेस्ट भी होने हैं CEN03 के, ग्रुप डी भी होने हैं, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कब होगा, किसकी तैयारी पहले करें। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे होंगे, NTPC की भी तैयारी कर रहे होंगे, अब वो स्किल टेस्ट भी तैयारी कर रहे होंगे, तो यानी कि तीनों हौच पौच हो जाएगा, कौन कब होगा, यही सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक दूसरे से इफेक्टेड तो है, क्योंकि एक ही बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियस है। अब रेलवे को आदत भी बोले या आदत सी, तो बात तो वही हुई ना कि एक ही रेलवे का ही एग्ज़ाम है और सभी एक साथ होनी है, तो कैसे कब और कौन सबसे पहले स्टार्ट होगा, वो सब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है टेस्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेस। यहाँ पे इंडिया के जो तमाम जो एग्ज़ाम है उसका मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी का मॉक टेस्ट यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट मिल जाएगा, इंटरफेस एकदम से एग्ज़ाम वाला आपको दिखेगा जैसा एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन का वीडियो टिप्स ट्रिक्स और सेव कर सकते हैं, या लेटेस्ट पैटर्न पे आपको एक एक मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप एक साल वाला कूपन कोड के साथ यूज करते खरीदते हैं तो आपको 269 वाला में पड़ेगा, और अगर आप लाइफ टाइम चाहिए तो 449 पड़ेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ERMANISH यूज करते हैं। यहाँ पे 23,000 प्लस मॉक टेस्ट और 370 प्लस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे सबसे मुद्दे वाली बात कि आपका CEN03 आया है, उसके बाद कैसे क्या होगा। देखिए, ये तो कन्फर्म है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है वो सबसे डिले है। ग्रुप डी वाले कहेंगे कि अभी तक तो हम लोग का कुछ हुआ ही नहीं। भाई, जो ग्रुप डी वाला जो अभी एग्ज़ाम है वो इसके बाद का एग्ज़ाम है। ये वाला जो आपका आया था नोटिफिकेशन, ये ALP टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आया था, और ग्रुप डी 2018 का नोटिफिकेशन, और इसका जो नोटिफिकेशन लगभग एक ही साथ आया था, यानी कि अंतराल में थोड़ा बहुत, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक बार झोंका आया था ना इलेक्शन के पहले, उस समय का ये आपका है। ठीक है, तो ऑब्वियस है इतने दिनों से ये लटकाए रखा था, तो इसका स्किल टेस्ट पहले होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रुप डी का ज्वाइनिंग हो गया लगभग, कुछ बाकी है, ALP टेक्नीशियन का भी बाकी है कुछ, लेकिन बहुत सारे लोगों का हो गया है। JEE का तो ख़त्म ही हो गया, यानी कि JEE भी उसी समय आया था, तो JEE का तो ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन अभी तक इसका अभी तो बस रिजल्ट ही आया, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा स्किल टेस्ट के बाद। तो यानी कि आपका स्किल टेस्ट इसका इन तीनों जो एग्ज़ाम होगा आपके CVT2 या आप कहें कि ग्रुप डी या स्किल टेस्ट, तो इन तीनों में सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। तो बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। देखिए, मैं एक एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अप्रॉक्स बता सकता हूँ। जिस तरह से अभी हाल ही में CVT2 के लिए आप, हालाँकि CVT1 के लिए जो रिजल्ट आए, रिजल्ट तो नहीं आंसर किया है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी फास्ट हो रहा है, वो अलग बात है कि इतनी गलतियां उन्होंने कर दी है NTPC में कि उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नहीं तो ये चीज़ें, अगर उतना गलतियां उन्होंने नहीं की होती पेपर बनाने में, पता नहीं पेपर सेटर जो होते हैं कितने दिमाग के होते हैं, पता नहीं उन्होंने भी, मतलब कि पहले के ज़माने में जो घूस वगैरह चलता था, पता नहीं अभी भी तो चलता होगा सेंट्रल में कि नहीं चलता, वो तो मुद्दे की बात नहीं है अभी, लेकिन उनका मतलब कि यार गलत इतना पेपर सेट करना कि हर एक पेपर में दो चार गलतियां निकल गया, जिसकी वजह से अभी वो टाइम ले रहे हैं, क्योंकि सबको रिफंड करना है, उसके बाद पब्लिश करना है उनका जो CVT1 का ये आपका जो आंसर किया है वो दोबारा फिर पब्लिश करेंगे जो गलतियाँ हैं उसको हटा के, तो इस वजह से उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन ये वाला जो CVT1 का जो आपका आंसर की है वो आपके 15 से 16 दिन के अंदर फाइनली आपके डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपका स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट देखिए 10 दिन तो कम से कम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप कहेंगे स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट में तो टाइपिंग वगैरह ये सब सूती लेखन वगैरह होता है, स्टेनो वगैरह, तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन के। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं होती है कि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाए। ठीक है, वो
उसको जब सुटेबल टाइम लगेगा तब वो ले लेगा, चाहे तो आज रिजल्ट दिया और कल बुला सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसमें ये आप बहाना नहीं बनाइए, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं इसलिए मुझे ये सब चीज़ों को बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये सब चीज़ें कौन बोलता है, लेकिन भाई बहुत सारे में क्या होता है कि 100-200 में दो चार कमेंट ऐसे भी आते हैं जो कि इतना बेसिक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, वो सब पूछते हैं, तो इसलिए मैं सब चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है? देखिएगा, अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो आपका एक दिन में वो निपटा सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कोई जो बंदा है वो दो दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया है। अब दो दो पोस्ट के लिए हिंदी में भी वो स्किल टेस्ट दे रहा है तो इंग्लिश में भी दे रहा है, तो एक ही दिन में दोनों जगह वो पॉसिबल नहीं है कि पहुँच सके, क्योंकि दो सेंटर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से देखिए, एग्ज़ाम वो एक दिन ले लिया, लेकिन यहाँ स्किल टेस्ट एक दिन में नहीं हो सकता है, बस जबकि उसके पास अब तो और भी कम स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड बंदे हैं तो उनके पास बहुत कम बंदे होंगे, तो एक दिन में निपटा सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पे मामला फंस जाता है कि एक बंदे दो दो तीन तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो हर एक जो स्किल टेस्ट है उसका अलग अलग दिन निर्धारित करना रेलवे की मजबूरी हो जाएगी। तो कम से कम जितने तरीके के स्किल टेस्ट है उतना दिन तो कम से कम वो लगेगा, तीन हो या चार हो, जितने भी प्रकार के स्किल टेस्ट इनको लेने हैं तो वो ये लेंगे, ठीक है। तो यानी कि उतना दिन आपको लगेगा, तो मिनिमम मान लेते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम 4 दिन के अराउंड इनका लगेगा। तो फिर भी अभी अगर हम अप्रोक्स अगर आज भी नोटिस निकाल देता है तो मान के चलिए कि 15 दिन तो इधर ही चला जाएगा, और आज 15 तारीख हो गया, यानी कि आपको सितंबर में तो स्किल टेस्ट इसका बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो कब तक दिख रहा है, तो ये आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका स्किल टेस्ट इसका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी है रिजल्ट वगैरह निकाला जाएगा। तो ये हो गया CEN 03 की बात कि इसका पहले होगा, उसके बाद किसका होगा, देखिए ग्रुप डी का होगा या NTPC CBT 2 होगा, ये अभी कन्फर्म नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ग्रुप डी होता है तो कम से कम तो 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप कहेंगे कि 10 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं हमेशा समझाया हूँ कि 10 दिन पहले तब इन्फॉर्मेशन मिलती है जब एग्ज़ाम चल रही होती है और बीच में हॉल्ट हो जाता है, तो 10 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन जब स्टार्ट होना होता है तो कम से कम 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फलाना दिन टेंटेटिव है, क्योंकि पहले टेंटेटिव डेट निकालेंगे उसके बाद फाइनल डेट निकालेंगे, तो मिनिमम आपको 15 दिन का गैप रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कि इससे आपका स्किल टेस्ट वाला जो चीज़ है उससे आपका NTPC का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल मेरा इस वीडियो का सारांश यही है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कि अब स्किल टेस्ट होगा तो इसका डेट एक्सटेंड हो जाएगा, स्किल टेस्ट क्योंकि उसी को लेना है। तो मैंने बताया है कि ये 3 से 4 दिन का स्किल टेस्ट है, और स्किल टेस्ट कोई बड़ा इशू नहीं है इसके लिए। और इसमें क्या होता है कि सिस्टम लेना है तो इनको उतना सिस्टम की आवश्यकता भी नहीं होगी, और तो आप समझ सकते हैं कि स्किल टेस्ट में उतना इसमें भीड़ भी नहीं है। अगर एक साथ अगर 4-5 तरीके का स्किल टेस्ट नहीं होता तो कम से एक ही दिन में निपटा देते, लेकिन उनकी भी मजबूरी है क्योंकि एक एक बंदा दो दो तीन तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल है और सभी का स्किल टेस्ट वो दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इसमें इस स्किल टेस्ट की वजह से आपका NTPC और ग्रुप डी का जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगा, जब भी आना रहेगा वो एज यूजुअल आएगा, और आपके अक्टूबर में दोनों में से कोई एक की संभावनाएं प्रबल है कि आपका एग्ज़ाम हो, जिस तरीके से अभी आदत भी वर्क कर रहा है और आपने दबाव भी बना रखा है। और जहां तक बात रही 17 सितंबर की, तो मैं हमेशा रेडी हूं, आप मुझे डिसाइड करके बता दीजिए मुझे क्या करना है 17 सितंबर को, कौन सा हैशटैग यूज करना है, किस तरीके का प्रोटेस्ट रखना है, अभियान रखना है। ट्विटर पर हमेशा मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं फिजिकल अपने जॉब छोड़ के तो नहीं जा सकते, क्योंकि चार्जशीट वगैरह मिल जाएगा, नौकरी से निकाला जा सकता हूँ मैं, तो इस वजह से मेरी मजबूरी आप समझ गए होंगे। बाकी आपका जहाँ भी मैं साथ आ सकता हूँ मैं 100% आपके साथ हूँ। हाँ, छुट्टी में रहूँ और आप कहो कि मेरे घर आओ तो मैं पक्का आ जाऊँगा, लेकिन आपको पता है कि मैं अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आज मेरी फैमिली का जो है वो पेपर था, लेकिन आज मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अब आदमी खुद के फैमिली में इन्वॉल्व नहीं है, उसके काम नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिस्ट्रिक्शन होता है। तो चीज़ें आप समझेंगे धीरे धीरे, जब आपकी भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आप भी समझने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जनरली करना नहीं चाहिए बातें, कि घर की बातें हैं, हमारी अंदरूनी मामला है, उसको कभी मैं मतलब कि ओपन करता नहीं हूँ। चलिए ठीक है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।